हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिश गुड लाइफ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग टाइम कटहल का कोफ्ता। तो बस यहाँ पे मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। और तो मैंने कटहल को बॉयल कर लिया है और उसको जो है मिक्स कर लिया है। और इसकी और मैं बना रही हूँ मसाला। तो मसाले में मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब मैं एक में पीस लूँगी। इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, बहुत इजी बनने वाला ये रेसिपी है। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करना। और यहाँ पर मेरा कटहल अच्छे से बॉयल हो गया है, इसको मैंने जो है मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने 2-3 चम्मच भर भर के बेसन डाल दिया है। और उसके बाद जो सारे मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और हाँ मैंने इसमें अलग से अजवाइन डाल दिया है 1 चम्मच। अजवाइन से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और स्वाद भी इसका अच्छा आता है। तो मैंने बस इसमें सब कुछ डाल दिया है और इसको हमें जो है मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके इसको हमें जो है छोटे छोटे बॉल बना लेना है। मैंने तेल गरम कर लिया था पहले से ही। तो बस इसमें जो है हम गोले बना बना कर डाल देंगे और इसको हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो मेरे यहाँ कटहल की सब्ज़ी थोड़ा सा सब कम पसंद करते हैं, कोफ्ते ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कटहल का कोफ्ता, और मैंने बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है। सारे कोफ्ते मेरे तल गए हैं और बस इसी तेल में मैं जो है 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी। तो बेसन से क्या होता है, ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो मुझे इसको भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने 1 चुटकी हींग डाल दिया है और बाकी जो सारे मसाले बनाए थे, मैंने तैयार किए थे, वो मैंने डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पे मुझे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से मसाला पक जाए। तो आप लोग भी बहुत ट्राई करिएगा, बहुत आराम से बन जाता है कटहल का कोफ्ता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैं नाश्ता में जो है ये चना और ये मूंग मैंने जो है भिगा कर रख दी थी। तो ये अंकुरित है, ये सुबह सुबह खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें मैंने सिंपल सा जो है प्याज कट करके, टमाटर और चाट मसाला, नमक डाल दिया है। तो ये हो गया है हम लोग का नाश्ता। और यहाँ पे ये देखिए मसाला अच्छे से जो है भुन गया है। इसमें मैं कोफ्ते डाल दूंगी, इसके बाद मैं डाल दूंगी पानी। तो बस मेरी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग बोल दो सब लोग, गुड मॉर्निंग बोल दो। ये गिलोय का डिब्बा लेके घूम रहा है। देखिए अच्छे से खोल गया है, ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। और इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दूंगी। तो ये देखिए कटहल का कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है। चावल से, पराठे से, रोटी से, पूरी से, जिस चीज़ से खाइए बहुत स्वादिष्ट लगता है कटहल का कोफ्ता, सब्जी से भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम लोग की चल रही है मस्ती सुबह सुबह। इसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सुबह मेरा जो है एक बहुत बड़ा काम और बहुत ज़रूरी काम होता है पूजा करना। तो मन की तसल्ली के लिए जो है सुबह सुबह जो है पूजा करना चाहिए सुबह शाम लोगों को, क्योंकि इस समय का माहौल इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। तो भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, सुख हो चाहे दुख हो, भगवान तो हर समय खड़े होते हैं, बस उनको याद करने की ज़रूरत है। तो बस अभी यहाँ पे कान्हा जी को नहला दी हूँ और मैंने एक पारद का शिवलिंग रखा है तो उनको भी जो है नहला देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। तो
तो बस यही है मेरा पूजा। और संख तो मैं डेली बजाती हूँ। आज सुबह से ही इतना ठंडा मौसम हो रखा है। एक दिन पहले पूरा दिन बादल था, इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन आज पूरा दिन ठंडा मौसम है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कहीं बारिश हो रखा है, तभी इतना ठंडा मौसम है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बस मैं आ गई हूँ अब किचन में अपने लिए चाय बनाने। पेपर होने वाला है, रंजू का तो पेपर हो गया है, सक्षम का पेपर होने वाला है। और तो बस अभी लोग को अच्छे नंबर लाया। बता दो, बता दो सबको, बता दो मैं बहुत अच्छा पेपर किया हूँ, बता दो सबको। खाना वाना खाने के बाद मुझे इतनी अच्छी वाली नींद आई कि मैं सो गई और बच्चे अपना खेल रहे थे और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और मैं अभी उठी हूँ 5 बजे और आज मुझे इतना सारा काम पड़ गया, इतना सारा काम, सोफे का कवर धुलना था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं सारा काम वाम करके उस कपड़ों पर डाल दी थी। तो आधा कपड़ा छत पर डाली थी, आधा मैं नीचे सूखने के लिए डाल दी थी। फिर मैंने जो है बहुत काम किया, उसके बाद फिर खाना खा के फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। वैसे मैं सोती नहीं, कभी कभी सो जाती हूँ। तो बस मैं अभी उठी हूँ, जस्ट उठी हूँ और अभी किचन के जो है बर्तन धुलने हैं मुझे। और अभी नीचे से ऑर्डर आया है कि चाय बना दो चाचा को, चाचा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तो बस मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। ये देखिए आज मैंने सोफे का कवर पूरा धुला था और अभी मैं इसको डाल देती हूँ। पहले चाय रख दूँ, फिर उसके बाद सोफे का कवर डालती हूँ। चाय रख दिए मैंने और सुबह के लिए मैं जमा रही हूँ दही। तो मैं शाम को दही जमा देती हूँ, सुबह बहुत जल्दी से जम जाता है। उसके बाद मैं सुबह फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
आज मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया और मैंने ढेर सारा छोटा छोटा क्लिप बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देती हूँ, ऐड करके डाल देती हूँ छोटे छोटे, तो इससे इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है। और ये है अभी अब शाम का टाइम है, तो 2-4 बर्तन थे तो मैंने कहा कि चलो इसको भी धुल लेती हूँ। रात के 9 और मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, तो मूंग दाल की और खिचड़ी बनाने जा रही हूँ चावल की, और जो है तो बहुत सिंपल सा, बहुत ये भी बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सिंपल सा खिचड़ी, तो बस मैं वही धुल रही हूँ और थोड़ा मैं लेट बना रही हूँ क्योंकि खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाता है, आप लोगों को भी पता है खिचड़ी तो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो वैसे रात में खाना हल्का खाना चाहिए, हल्का खाना खाने से जो है डाइजेस्ट हो जाता है रात भर के लिए, सही रहता है। दिन में हैवी खाना खाना चाहिए, रात में जो है हल्का खाना खाना चाहिए तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है दाल और चावल को धुल कर डाल दिया है, इसमें हरी मिर्च कट करके डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी और इसमें जो है 1-2 सीटी लगा दूंगी, अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद इसमें मैं तड़का लगा दूंगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. मौसम अभी ठंडा है तो मैं कूलर ही चला लेती हूँ, रात में दिन में कूलर ही चला लेती हूँ, अभी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी डर लगता है, ना एसी चलाने का मन नहीं करता क्योंकि ठंडा गर्म ही नुकसान करता है लोगों को, तो इसलिए मैं एसी बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, नहीं तो एसी जो है हम लोग का मई से चलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार तो बहुत कम ही एसी चलाई हूँ, अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो देखेंगे, और नहीं तो अभी कूलर ही काम कर रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, दिन भर जो है इतना गर्मी भी नहीं लगता है। और ये शाम के थोड़े से कपड़े रह गए थे, बच्चे नहाए थे तो लेट नहाए थे तो उन लोग का कपड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी धो के डाल दूँ, नहीं तो कल के लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी आज मैंने बहुत कपड़ा धुलाया, तो बस खिचड़ी मेरी बन रही है और मेरे सारे काम डन हो गए। कूलर में मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं तरबूज बेटाइम, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम है तो यहाँ पे तरबूज खाया जा रहा है। मूंग दाल की खिचड़ी मेरी बन गई है, सिंपल से मैंने 2 सीटी लगा दिया है, तो खिचड़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है और मैं इसमें लगाने जा रही हूँ तड़का। तो मैंने अदरक जीरा हरी मिर्च लहसुन सब मैंने तैयार करके रख लिया था, बस तड़का लगाना रह गया था, तो इसमें मैं हींग डाल दूंगी। हींग की महक जो होती है बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी में, हींग की खुशबू, तो बस यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, तो बस यहाँ पे मेरा जो है तड़का रेडी हो जाएगा और मेरी मूंग दाल की खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। हेल्दी सा, बहुत इजी सा बनने वाला ये खिचड़ी है, मेरा मन करे तो मैं डेली खिचड़ी बनाऊं लेकिन कोई खाएगा ही नहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापड़, कहते हैं खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार, तो दही तो मैं खाऊंगी नहीं, न खाने दूंगी किसी को क्योंकि दही रात में नुकसान करता है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ रेडी कर लिया है, खिचड़ी मेरी रेडी हो ही गई है, सलाद मैंने कट कर लिया है, चटनी मैंने
बना लिया है पुदीने के, तो इतना आइटम तो बहुत है खिचड़ी के साथ। अगर खिचड़ी के साथ इतना आइटम रहे तो फिर क्या बात है। बस यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो आ जाइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। और ये पुदीने की चटनी में बना के पहले से ही रख लेती हूँ डिब्बे में भर कर। इसमें नमक डाल के, मतलब नमक डालकर ये चटनी बना लेती हूँ, तो ये काला नहीं पड़ता। आप एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो खाने में भी कोई मतलब वो नहीं लगता, स्वाद में कोई वो नहीं आता, तो इसलिए मैं चटनी बनाकर रख लेती हूँ। चटनी की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी रेडी हो गई है। और ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं कहूँगी, ये वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, लाइक करने से बहुत खुशी मिलती है मुझे, शेयर करिए। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।